नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं एकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पैज के कुछ लाजवाब घरेलू नुस्खों के बारे में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हर घर में आसानी से मिल जाने वाले पैज का इस्तेमाल हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कान बहता हो, उसमें दर्द या सूजन हो तो पैज तथा अलसी के रस को पकाकर दो दो बूंदे कई बार कान में डालने से आराम मिलता है। यदि कोई अंग आग से जल गया हो तो तुरंत पैज कूटकर प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। विषैले कीड़े, बर्न, कान खजूर और बिच्छू काटने पर पैज को कुचलकर उसका लेप लगाना चाहिए। बिल्ली या कुत्ते के काटने पर रोगी को डॉक्टर के पास जाने तक पैज और पुदीने के रस को तांबे के बर्तन पर डालकर प्रभावी स्थान पर लगाइए, उससे विष उतर जाएगा। हिटेरिया या मानसिक आघात से यदि रोगी बेहोश हो गया हो तो उसे होश में लाने के लिए पैच कुटकर सुघाए, इससे रोगी तूरंत होश में आ जाता है। मूत्राशय की पथरी को दूर करने के लिए रोगी को पैच के रस में शक्कर डालकर शरबत बनाकर पिलाएं। ऐसा शरबत नियमित रूप से पिलाने को टमाटर, साबुत, मूंग तथा चावल न खाने दे। रोगी को भोजन के साथ एक खीरा खाने को दे, साथ ही रोगी को खूब पानी पीने के लिए कहें। किसी नशे में धुंध व्यक्ति को यदि एक कप पैज का रस पिला दिया जाए तो नशे का प्रभाव काफी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे। भगवान करे आपका आज का दिन शुभ रहे।